एक अजनबी, डर्टी पिक्चर, बैंग बैंग, जिंदा, रावण, शादी के लड्डू, ओम शांति ओम, सलाम नमस्ते, तीस मार खान, हैट्रिक, वी आर फैमिली जैसी कई फिल्मों में विशाल शेखर ने म्यूजिक का जबरदस्त तड़का लगाया है। हैरानी की बात यह है कि कई लोगों को लगता है कि विशाल और शेखर एक ही शख्स है, जो कि सरासर झूठ है। बॉलीवुड सिंगर और म्यूजिक कंपोजर शेखर अफजियानी और विशाल ने साथ में इतना ज्यादा और इतना खूब काम किया है कि लोग दोनों को एक मानते हैं। ये जोड़ी विशाल शेखर के नाम से जो हुई है। आइए शेखर अफजियानी के जन्मदिन पर जानते हैं कि ये बेहतरीन जोड़ी बनी कहां से और ये अब तक टिकी कैसे है। शेखर ने एक बार इंटरव्यू में खुलासा किया था कि विशाल को वो बचपन के दिनों से जानते हैं और वो दोनों तब से ही दोस्त हैं। यही कारण है कि कभी दोस्तों ने एक दूसरे के साथ काम करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करी, उन्हें कोई परेशानी का सामना एक साथ नहीं करना पड़ा। अगर बात उनके पहले गाने की करें तो बात साल 1997 की है, जब शेखर को फिल्म प्यार में कभी भी में गाने के लिए बुलाया गया था। रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि अरे, विशाल को भी फिल्म में गाने के लिए बुलाया गया है, जिसके बाद दोनों ने साथ में गाना गाया। यहीं से विशाल शेखर की जोड़ी हिट हो गई। साल 2003 में शेखर को झंकार बीट से सफलता मिली, जिसके बाद 24 सालों से आज भी ये जोड़ी साथ है। क्या आप जानते हैं कितने साल साथ रह पाना इनके लिए मुमकिन क्यों हो पाया? क्योंकि कहा जाता है कि ये जोड़ी भाइयों की तरह रहती है, दोनों किसी गलतफहमी को अपने बीच में नहीं आने देते। यही वजह है कि ये जोड़ी सालों बाद भी नहीं टूटी और लगातार बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक गाने दे रही है। आप दोनों के बारे में क्या सोचते हैं? आपको उनका काम कैसा लगता है? दोनों की बॉन्डिंग आपको कितनी पसंद है, कमेंट करके जरूर बताएं। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।